दोस्तों आज मैं आपके लिए 5 ऐसे जानवर लेकर आया हूँ जो एक समय पर विलुप्त होने वाले थे, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा किए गए रिसर्च के चलते आज वो हमारे बीच जिंदा है। अमेरिकन बिसन। नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला ये जानवर वहाँ रहने वाले लोगों के लिए रोजाना की जरूरतों को पूरा करने का बेहतरीन साधन माना जाता था, लेकिन 19वीं सदी से इन पर हो रही हंटिंग के कारण ये आज विलुप्त होने की कगार पर आ चुके हैं। जहाँ एक समय पर इनकी आबादी 500 से भी कम हो चुकी थी, वो वहीं आज के समय में वहीं रहने वाली कई ट्राइब इनकी आबादी को बचाए रखने के लिए काफी कोशिश कर रही है। कैलिफोर्निया कोंडोर। अमेरिका का सबसे बड़ा गिद्ध एक बार में मेक्सिको से नॉर्थ अमेरिका तक उड़ सकता है, लेकिन 1987 में ये पक्षी विलुप्त होने की कगार पर था, लेकिन 27 कैलिफोर्निया कोंडोर उस समय जिंदा बचे थे, जिसके बाद अमेरिकन सरकार द्वारा कई ऐसे कदम उठाए गए जिसमें अमेरिकन सरकार को $35 मिलियन का खर्चा आया, जिसके कारण आज के समय में इसकी आबादी 518 के करीब हो चुकी है। ब्लू व्हेल। दुनिया का सबसे बड़ा जिंदा जानवर जो कि 98 फीट लंबा और करीबन 199 टन वजनी होता है, लेकिन सन 1900 से 1966 के बीच में इस पर किए गए शिकार से इसकी आबादी खत्म होने की कगार पर आ गई, लेकिन बाद में इसके शिकार पर आए कानूनों के चलते इसकी आबादी को विलुप्त होने से बचाया गया, लेकिन आज भी कई बार ये व्हेल बड़े जहाजों से टकरा कर मर जाती है। साउथर्न व्हाइट राइनोसोरस। 20वीं सदी में आते आते ये राइनोसोरस खत्म होने की कगार पर आ चुके थे, लेकिन साउथ अफ्रीका का एक गांव तब भी उन्हें बचाने में जुटा हुआ था, जबकि वो उनके लिए खतरनाक था, और इसी के बदौलत आज आपको अकेले साउथ अफ्रीका में 20,000 से ज्यादा व्हाइट राइनोसोरस देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें वहां से दुनिया भर के जू में भेजा जाता था ताकि उसकी आबादी को पूरी दुनिया में बढ़ाया जा सके। पेरेग्रेन फाल्कन। नॉर्थ अमेरिका में डकोक के नाम से जाना जाने वाला ये पक्षी दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, जो कि 380 प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से उड़ सकता है, लेकिन पक्षियों पर किए जाने वाले जैविक जहर के कारण इनकी आबादी काफी तेजी से घटने लगी, लेकिन समय रहते अमेरिकन सरकार द्वारा कई ऐसे कदमों को उठाया गया ताकि इसकी आबादी को घटने से रोका जा सके। दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी, पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दे और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।